2021 के अंतिम रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और 87% सीटों के लिए ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और ये जो रिजल्ट जारी हुआ है इसमें टॉप 10 में 7 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। 12 डिप्टी कलेक्टर पदों पर भी महिलाओं का ये कब्जा हुआ है, जिसमें भोपाल की अंकिता ने टॉप करने का काम किया, टॉप किया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में पेंडिंग है केस और इसकी वजह से 13% रिजल्ट को अभी फिलहाल के लिए रोका गया है। एमपीपीएससी ने कुल 290 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, ओबीसी आरक्षण की वजह से 13% रिजल्ट जो है वो रोका गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसीलिए 87% रिजल्ट इस बार जारी कर दिया गया है, जिसमें टॉप 10 उम्मीदवार जो हैं, जिनका चयन हुआ है, उसमें 7 महिला उम्मीदवार हैं। टॉप 10 में 7 महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है, फीमेल कैंडिडेट्स ने, और 12 डिप्टी कलेक्टर पदों पर भी महिलाओं ने कब्जा कर लिया है। और इसमें भोपाल की अंकिता पाटकर जो हैं उन्होंने टॉप किया है। वहीं ओबीसी आरक्षण का मामला चूंकि अभी चल रहा है और इसको लेकर केस कोर्ट में पेंडिंग है, और यही कारण है कि कुल 13% रिजल्ट को अभी होल्ड किया गया है, यानी कि रोका गया है। एमपीपीएससी ने कुल 290 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था और ओबीसी आरक्षण की वजह से 13% रिजल्ट को फिलहाल के लिए रोका गया है। अंकिता पाटकर इस वक्त हमारे साथ, जो कि टॉपर हैं और सबसे पहला स्थान उन्होंने हासिल किया है, भोपाल की रहने वाली हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई आपको इस सफलता के लिए। कैसे देख रही हैं सफलता को? सर मैं बहुत खुश हूँ, अभी तो थोड़ा यकीन भी नहीं हो रहा था मुझे, पर रैंक 1 में मेरा ही रोल नंबर है जी। और सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत भी की और अच्छा लगना स्वाभाविक है, लेकिन मेहनत कैसे की, कैसे तैयारी की, किसको ये इस सफलता के पीछे, आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन साथ में और किसकी मेहनत है? सर जो भी ये पूरा एमपीपीएससी की तैयारी की जो जर्नी रही, उसमें पेरेंट्स का भी सफर पूरा योगदान रहा है। मेरे जो गुरु हैं, जो मैंने मतलब एमपीपीएससी के लिए, जो एमपी गवर्नमेंट ओबीसी को फ्री कोचिंग पढ़ाती है, तो पीजी एसोसिएशन था वहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी, और फिर यूट्यूब की मदद से सारे यूट्यूब चैनल्स की भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, और मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो जो मेरे स्टाफ के मेंबर्स रहे हैं उनने भी हमेशा सपोर्ट किया, तो सबका योगदान है मिला जुला कर। और मेरा नवोदय से भी मतलब मैंने पढ़ाई की है, तो वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, तो नवोदय एक्सीलेंस स्कूल एजुकेशन सारा बैकग्राउंड मेरा अच्छा रहा था, तो मुझे तैयारी करने में आसानी भी रही और हमेशा अच्छा गाइडेंस मिला सर। अच्छा गाइडेंस मिला। अभी आप क्या करती हैं? आपने कहा कि आपके जो कलीग्स हैं उनका भी बहुत साथ मिला, अभी आप क्या करती हैं? सर अभी मैं जो जनपद पंचायत अब्दुल्लागंज में सहायक विकास विस्तार अधिकारी हूँ। ठीक है, तो कैसे सेलिब्रेट करने वाली हैं आगे, तैयारी कितने घंटे पढ़ाई करती थी? क्योंकि देखिए जो छात्र होते हैं, जो प्रतिभावान छात्र होते हैं और जो सफलता प्राप्त करते हैं, दूसरे छात्र उनको फॉलो करते हैं। यस सर। तो क्या तैयारी, कैसे तैयारी की, कितना समय देती थी, कहाँ से सिलेबस कैसे सिलेक्ट किया जाता था, किसने इसमें मदद की आपकी? सर मेनली जो मेरी तैयारी होती थी वो एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस को देख के ही होती थी। और सिलेबस में जिस तरीके एग्जाम हो रहे हैं वैसे मैं, और जो टेस्ट सीरीज में हो रहे हैं, तो मैं जो टेस्ट आंसर की प्रोवाइड की जाती थी कोचिंग्स के द्वारा उन पर ध्यान देती थी, और जो मतलब जैसे कई बार जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स रहे हैं उनके मेंस की कॉपी को भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करती थी, और उसके बाद अपने आंसर्स को मॉडिफाई करती थी, करंट को डालने की कोशिश करती थी ज्यादा से ज्यादा, और जो भी सिचुएशन है तो वही सब कोशिश करती थी, तो मुझे लग रहा है कि मेंस में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो इस वजह से सर। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, कहा जाता है कि ये प्रशासनिक अधिकारी बनना बहुत समय देना पड़ता है, दिन रात एक कर देना पड़ता है, नींद गंवानी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। क्या क्या किया आपने इस सफलता को प्राप्त करने के लिए? सर मैंने पढ़ाई की है और यूट्यूब के मदद से जो भी जो स्टडी बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा है। लाइब्रेरी जाती थी मैं, तो सुबह 8 बजे समथिंग पहुंच जाती थी और कोशिश करती थी 10 से 12 घंटा पढ़ने के। आपने कहा कि आप जॉब भी करती हैं और साथ ही साथ पढ़ाई करना, ये बहुत मुश्किल होता है,
मैनेज करना चीज़ों को, क्योंकि आपका जो काम है उसको भी पूरी तरीके से पूरी लगन के साथ करना है और साथ ही साथ ये तैयारी भी करना है। हाँ सर, जॉब मेरी अभी लास्ट 2 इयर्स में लगी हुई है और तैयारी मेरी काफी पहले से चल रही थी। और जब मेरे एग्जाम्स रहे तो मेरे जो स्टाफ रहा उन्होंने हमेशा मुझे छुट्टी भी दे दी थी और काफी सपोर्ट किया उन्होंने हमेशा, तो उस वजह से मुझे टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए। अच्छा, बहुत बधाई आपको अंकिता जी। लेकिन एक चलते चलते एक सवाल और कि बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो ओरिएंटेशन चाहते होंगे, आपसे मार्गदर्शन चाहते होंगे, आप उपलब्ध रहेंगे उनके लिए? मैं अभी बताऊंगी सर, फ्री रहूंगी सर, मैं कभी भी गाइडेंस के लिए मैं मना नहीं करती और कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी स्ट्रेटेजी है वो फैला पाऊं ताकि जल्दी से जल्दी सबका सिलेक्शन हो। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, बहुत बधाई आपको इस सफलता के लिए।